पिछले वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी महाराज कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और उनके बारे में मालूमात हासिल की। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे वो अहद अवस्था का ज़माना कहलाता है। अहद अवस्था का ज़माना यानी क्या? उस ज़माने में बहुत से राजा और बादशाह ऐसे थे जिन्होंने अपनी रियाया और अवाम की भलाई का ख्याल ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने ऐश व इशरत के बारे में सोचा। कभी भी उन्होंने अवाम की तरफ तवज्जो नहीं दी, कभी भी उन्होंने अवाम का ख्याल नहीं किया। लेकिन बाज राजा और बाज बादशाह ऐसे भी गुजरे जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में उनकी रियाया का, उनकी अवाम का ख्याल रखा, उनके साथ भलाई के काम किए और उनको फ़ायदा पहुँचाया। जिसमें सबसे पहला नाम है शुमाल के मुग़ल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जो एक मशहूर और अजीम बादशाह गुजरे। उसके बाद दूसरा नाम है जुनूब के विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपनी अवाम का भलाई का काम किया और उनको हमेशा नफ़ा पहुंचाया। शिवाजी महाराज का नाम भी इन राजाओं के साथ फ़ख्र से लिया जाता है जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में हमेशा अपनी अवाम का, अपनी रियाया का ख्याल रखा और उनके साथ भलाई के काम किए।